नमस्कार किरण्स रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ग्रीन चिली सॉस। आइए देखते हैं ग्रीन चिली सॉस बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। सिर का 1 बड़ा चम्मच, चुटकी भर हींग, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच तेल, 250 ग्राम हरी मिर्च, थोड़ी हरी मिर्च बड़ी ले लें और थोड़ी छोटी पतली ले लें, और अदरक का टुकड़ा। ऐसे आप एक बाउल ले लें। ये हरी मिर्च, कुछ हमने बड़ी मिर्च ले ली है मोटी और कुछ ले ली है छोटी पतली, लगती है दोनों नहीं है, दोनों तीखी नहीं होती, तो अब हम इन दोनों को काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। सबसे पहले आप मिर्ची का पीछे का हिस्सा काट लें, ऐसे इनका भी काट लें और अदरक को भी ऐसे छील लें। काटने से पहले आप इनको धो लें अच्छी तरीके से, साफ से, और एक कपड़े से पोंछ लें। अब हम इनको काट लेंगे, ऐसे इनको टुकड़ों में आप काट लें। ऐसी इन छोटी मिर्ची को भी, अगर आपको बिल्कुल तीखी नहीं चाहिए तो आप इनका बीज निकाल सकते हैं, नहीं तो ये तीखी नहीं होती दोनों मिर्चें। ऐसी आप सारी मिर्चें काट लें। मिर्ची को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, आप भी इनको काट लें। अदरक, अदरक को भी आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, छोटे पीस बना लें अदरक के भी। अभी ग्रीन चिली सॉस बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, अब हम इसको बनाएंगे। ग्रीन चिली सॉस बनाना शुरू करते हैं। गैस में सबसे पहले आप कढ़ाई रख लें, गैस को ऑन कर दें और कढ़ाई को गर्म होने दें। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें हमें तेल डाल देंगे और तेल को थोड़ा गर्म होने दें। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हमें जीरा डालेंगे, जीरे को आप अच्छे से भुनने दें। और इसमें ये हींग डालेंगे, हींग और जीरे को भून लेंगे, तो चला लें बीच में ताकि ये जले ना। अब गैस को हम सिम कर देंगे बिल्कुल। अब इसमें हम ये हरी मिर्च और अदरक डालेंगे जो हमने काट के रखी है बारीक, इसको डाल दें इसमें और इसको हिला लेंगे। इसको आप 1-2 मिनट हिला लें ऐसी। हरी मिर्च को आप पकने दें और बीच बीच में आप इसको चलाते रहें। हरी मिर्ची को हम हिलाते रहेंगे बीच बीच में। गैस हमने बिल्कुल कम करके रखी है सिम। अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे 5 मिनट के लिए और गैस को बिल्कुल सिम रखेंगे और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसका ढक्कन खोल के देख लेंगे, इसको हिला लें। अब आप देख सकते हैं मिर्च हमारी बिल्कुल नरम हो चुकी है। 1-2 मिनट इसको और हिलाएं, गैस को थोड़ा तेज कर दें, भाप से जो इसमें पानी बना है वो अच्छे से आपका सूख जाएगा बिल्कुल। जब हम इसमें ढक्कन लगाते हैं तो इसे भाप से थोड़ा पानी हो जाता है, तो उसको हम सुखा लेंगे 2 मिनट और उसको बीच में चला लें। पानी हमारे से बिल्कुल सूख चुका है, गैस को हम बंद कर देंगे और इसमें हम ये नमक डालेंगे। और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब हम इसको तब तक रखेंगे जब तक ये बिल्कुल ठंडा हो जाए। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो अब हम इसको मिक्सी करेंगे। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब हम इसे मिक्सी में निकाल लेंगे। आप एक मिक्सी ले लें और इसको मिक्सी में निकाल लें और अब हम इसको मिक्सी करेंगे। अब इसको खोल कर देख रहे हैं,
अभी थोड़ा मोटा है, थोड़ा इसे हम और बारीक करेंगे। फिर इसे हम खोल के देख लेंगे, अभी बिल्कुल बारीक हो चुका है, आप देख सकते हैं। ग्रीन चिली सॉस बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब आप एक बाउल ले लें ऐसे, इसे बाउल में निकाल लेंगे। ग्रीन चिली सॉस बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें ये सिरका मिला लेंगे लास्ट में। सिरका आप बिल्कुल लास्ट में मिलाएं इसमें, और उसको धीरे धीरे मिक्स कर लें इसमें। सिरका मिलाने से हमें चिली सॉस को काफ़ी दिन तक रख सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। अब ग्रीन चिली सॉस बनकर बिल्कुल तैयार है, बहुत अच्छी सॉस बनी है। आप भी इसको ज़रूर बनाएं, और अधिक रेसिपी जानने के लिए आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप अपना अनुभव किरण से रेसिपी पर शेयर करना ना भूलें।